हेलो एवरीबॉडी, दोस्तों आपने मेरे कई वीडियोस देखे होंगे, प्रोनंसिएशन के वीडियोस, जिनमें मैंने बताया हुआ कि इन शब्दों का उच्चारण ऐसे होता है, या मैंने आपको बताया हुआ कि ए नहीं होता ए ही होता है, यानी कि फेस नहीं होता फेस होता है। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम भी सीखना चाहते हैं कि ये सब कैसे, ये उच्चारण कैसे होता है, इसके क्या नियम है, ये हम भी सीखना चाहते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आपके पास डिक्शनरी है, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी, जैसे ऑक्सफर्ड की या लॉन्गमैन की या कोई सी भी, तो हर डिक्शनरी में इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी नहीं, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में हर वर्ड के सामने उसका उच्चारण लिखा रहता है। लेकिन शायद वो आपकी समझ में नहीं आता होगा, या आता भी होगा तो थोड़ा सा आधा अधूरा समझ में आता होगा। दोस्तों ऐसा इसलिए है कि हमको वो जो साइंस, जो चिन्ह होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, हम उनको, उनके बारे में हमको ठीक से नहीं पता होता कि वो किस चीज़ को बताते हैं। तो दोस्तों इस क्लास की बहुत डिमांड हुई है स्टूडेंट्स के द्वारा, इसीलिए आज मैं आपको ये क्लास दे रहा हूँ। आज हम सीखेंगे दोस्तों इंटरनेशनल फनेटिक अल्फ़ाबेट, इनको आप फनेटिक सिंबल्स भी कह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये वो चिन्ह होते हैं जो हमको उच्चारण सिखाते हैं कि हमको किसी शब्द का उच्चारण कैसे करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, आज हम करेंगे पार्ट वन, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट फील्ड है, इसमें बहुत चीज़ें सीखने के लिए हैं। तो पार्ट वन में हम करेंगे आज वाउल साउंड्स, यानी जो वाउल्स होते हैं, सिर्फ उनके जो साउंड्स होते हैं, आज उनकी बात करेंगे। आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए, जिससे कि आप हर बात को ठीक से समझ सकें, और हो सके तो आपको एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठना चाहिए, जिससे कि आप जहाँ भी आपको ज़रूरी लगे आप उस साउंड को लिख सकें, जैसा मैं अभी बोल बोल के बताने वाला हूँ। तो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज पार्ट वन है और आज हम वाउल साउंड्स की बात करेंगे। कॉन्सनेंट साउंड्स की बात हम अगली क्लास में करेंगे, पार्ट टू में करेंगे। तो दोस्तों अब हमको क्या कैसे सीखना है, जैसे हमने बचपन से सीखा है हमने कि पांच वाउल्स होते हैं, यानी वॉवेल्स होते हैं, और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं, ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप जैसे ही आप हाई लेवल में जाना चाहेंगे तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि ऐसे दूसरे साउंड्स कौन से हैं जो वाउल्स का, मतलब वॉवेल्स का काम करते हैं। मैं वाउल क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हम जिसको वॉवेल समझते हैं उसका उच्चारण होता है इस प्रकार से, वा ऊ आधा अ और ल, यानी इसको हम पढ़ेंगे वाउल, वाउल। और इसका उच्चारण डिक्शनरी में कैसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है वी ए, ये ऊ है, ये आधा अ है और ये ल है, वाउल। इसीलिए ये डिक्शनरी में लिखा होता है ऐसे, इसीलिए मुझे मालूम है कि इसको वाउल नहीं बोलते, वाउल बोलते हैं असल में। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों को, चूंकि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, हमको नहीं मालूम है ये बातें, इसलिए हम इसको वॉवेल पढ़ते हैं। हमको लगता है वी ओ डब्ल्यू ई एल वॉवेल होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये चिन्ह, ये जो सिंबल्स हैं, ये नहीं जानने के कारण ही हमारा उच्चारण इंग्लिश का इतना गलत होता है। तो दोस्तों आज हम वाउल साउंड्स करेंगे, मैं आपको एक एक साउंड बताता हूँ और उसके एग्जाम्पल्स भी हैं, और हमको ठीक से समझना है। पहला जो साउंड है दोस्तों वाउल साउंड, अच्छा दोस्तों हमको इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, अब हमने क्या सीखा कि पांच वाउल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, लेकिन टोटल वाउल साउंड्स जो हैं, अगर मैं सारे ले लूं तो ये कुल मिला के 24 है, 24 हैं। तो 24 वाउल साउंड्स इंग्लिश में हैं, ऐसा हमको मानना चाहिए। अच्छा तो अच्छा, इसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी हो सकते हैं, कुछ विवाद भी हो सकता है, कुछ लोग 23 ही बोलते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सारे 24 साउंड बता रहा हूं, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। तो दोस्तों पहला जो साउंड है, जो डिक्शनरी में लिखा रहेगा, वो अगर वो इस प्रकार से लिखा हो तो वो ई, ऐसा हम मान सकते हैं, जो हिंदी में छोटी ई होती है। अच्छा दोस्तों, आपका मन करेगा कई बार हिंदी से तुलना करने का, क्योंकि हम लोग हिंदी बोलने वाले लोग हैं, तो हम स्वाभाविक है कि हम जो अगर कोई दूसरी भाषा को सीख रहे हैं तो हम उसको, उसकी तुलना हिंदी से करेंगे। लेकिन हमको हिंदी से तुलना नहीं करनी अंग्रेजी की, अंग्रेजी एकदम अलग भाषा है, हिंदी बिल्कुल अलग भाषा है। हमको हिंदी की सिर्फ मदद लेनी है कि हम अंग्रेजी को ठीक से समझ सकें, हिंदी से मिलाएंगे नहीं कि यार हिंदी में ऐसा है तो अंग्रेजी में ऐसा क्यों नहीं है, ये एकदम सही तरीका नहीं है। दोनों चीज़ें एक कैसे हो सकती हैं, इंग्लिश यूरोप में बोली जाती है, वहाँ यूरोप की भाषा है, हिंदी एशिया की भाषा है, इंडिया की भाषा है, तो कैसे एक हो सकता है, सब अलग अलग होता है। हमको सिर्फ हिंदी की मदद लेनी है, तो मैं इसमें हिंदी की मदद लेके आपको असली साउंड बताने वाला हूँ। तो अगर आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई पड़े, जैसे ये वर्ड है बी आई टी, बिट, बिट का मतलब होता है ज़रा सा या टुकड़ा, ऐसे उसका उच्चारण डिक्शनरी में इस प्रकार से लिखा रहेगा। तो ये जो है, तो ये जो साउंड, ये जो चिन्ह है, सिंबल है, यहाँ लिखा है मैंने, इसको आप जो हिंदी में छोटी ई होती है वैसा मान के चल सकते हैं। तो अगर जैसे हम बोलेंगे बिट, ऐसे होता है पी आई टी, पिट, तो हमको इसको ऐसे पढ़ना है बिट। आप देख रहे हैं ये छोटी ई है, यहाँ पर मैं ज़्यादा देर नहीं रुक रहा, बिट,
तो ऐसे बोलना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको ऐसा दिखाई पड़े, आई के ऊपर बिंदु भी लगा हुआ है, अगर डॉट लगा हुआ है, अगर जैसा कि हम जनरल इंग्लिश लिखने में यूज़ करते हैं वैसे। अच्छा दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सिंबल्स हैं ये अल्फ़ाबेट वाले लेटर्स नहीं हैं, ए से लेकर जेड तक जो लिखते हैं वो नहीं है ना, ये अलग है। जैसे कंप्यूटर पर आप टाइप करते हैं इंग्लिश में तो वो अलग चीज़ होती है, और कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है C++, C++, वो लैंग्वेज हर कोई तो नहीं समझ सकता। ये वही है, ये इंग्लिश का आप जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज होता है C++ ये सब, वैसे ये प्रोनंसिएशन सीखने का लैंग्वेज है। ये ABCD वाला नहीं है, है ना, सिर्फ वैसे दिखते हैं ये क्योंकि हम इनको यूज़ करके उच्चारण सीखेंगे, इसीलिए। तो ये डिफरेंस समझना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा दिखाई पड़े तो आपको इसको बड़ी ई समझना है। जैसे ये वर्ड है हैप्पी, इसका उच्चारण आप देख रहे हैं हैप्पी, यहाँ आई के ऊपर बिंदु भी है, डॉट है, लेकिन इस वर्ड में डॉट नहीं है, यानी ये छोटी ई है। तो जब डॉट नहीं होगा आई के ऊपर तो वो छोटी ई होगा, जब डॉट होगा तो वो बड़ी ई होगा। इतना तो हम आसानी समझ सकते हैं क्योंकि हिंदी में भी छोटी ई और बड़ी ई होते हैं। अब मैं आपको एक तीसरे ई के बारे में बताने वाला हूँ जो हिंदी में तो नहीं होता लेकिन इंग्लिश में होता है, इसलिए मैंने आपसे कह दिया था कि आपको हिंदी की तुलना अंग्रेजी के साथ नहीं करनी कि हिंदी में है तो अंग्रेजी में क्यों नहीं, या हिंदी में नहीं है तो अंग्रेजी में कैसे, ये नहीं सोचना है आपको। हिंदी अलग है, अंग्रेजी अलग है। तो अगर ये, तो ये था छोटा ई जिसमें आई के ऊपर डॉट नहीं है, ये है बड़ी ई जिसमें आई के ऊपर डॉट है। अब एक बड़ी ई से भी ज़्यादा ई, बड़ी ई एक होती है, ये वो होता है आई के ऊपर डॉट भी लगा हुआ है और ये दो बिंदु आप देख रहे हैं, ये दो बिंदु डॉट्स ऐसे, ये भी जब लगा हो तो आपको ई को भी, बड़ी ई पर भी ज़्यादा देर रुकना है, ई ऐसे रुकना है। जैसे ये वर्ड है बी का मतलब होता है मधुमक्खी, और इसका उच्चारण आप देख रहे हैं कैसे लिखा हुआ है, ये जो आई है इसके ऊपर डॉट भी है और दो बिंदु भी हैं, तो इसको पढ़ना है बी, जैसे बोलते हैं देखना सी, आई वॉन्ट टू सी यू, ऐसे करके हमको इंग्लिश बोलना चाहिए और समझना चाहिए। आगे से जब भी आप डिक्शनरी में किसी वर्ड का उच्चारण देखें कि कैसे देखूँ कैसे उच्चारण लिखा हुआ है, तो आपको इससे बड़ी काफ़ी हेल्प मिलेगी समझने में कि छोटी बिट छोटी ही है, हैप्पी बड़ी ही है, एंड बी बड़ी ई से भी बड़ी ई है। तो तीन दोस्तों ई हैं जिनको मैंने एक कैटेगरी में यहाँ पर डाल दिया है। ये तीनों समझ में आ गए आपके। अब हम आते हैं दूसरे लेटर पे, ये है ई जो इंग्लिश में हम लिखते हैं ई, वैसे वाला, इसको दोस्तों पढ़ेंगे ए। अच्छा दोस्तों ये है ए, ये ना तो ए है, एक वाला ए नहीं है, ऐसा वाला ए नहीं है, ये ए कौन सा है, जैसे हम बोलते हैं रेड लेदर वैसा वाला ए, ये बीच का ए है, ठीक है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे वर्ड्स में यूज होता है, जैसे टेन टेन, ये टेन नहीं होगा, टेन टैन नहीं होगा, ये है टेन, बीच का टेन आपको याद रहेगा टेन। इसका उच्चारण भी दोस्तों जो लिखा रहेगा वो ऐसे ही लिखा होता है, यानी ये जैसा लिखा हुआ है जो मूल जो इसका जो अल्फ़ाबेट का जो लेटर है वैसा ही इसका उच्चारण भी लिखा जाता है, और इसको हम पढ़ेंगे ए, छोटा सा ए है ये। उसके बाद दोस्तों तो ये इंडिपेंडेंट है, साउंड है। अब हम एक दूसरी कैटेगरी पर आते हैं जिनको मैंने दोनों को एक साथ कंबाइन किया है। इसमें एक साउंड है ए का और एक साउंड है आ का। तो अगर ए बोलना हो, कैट बैट इस प्रकार से, तो वो डिक्शनरी में आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। ये कैसा है, जैसे पहला जो इसमें दो जॉइंट है, मैंने दो सिंबल्स को जॉइंट किया है, पहला वाला जो है जैसे ए होता है तो आपको लगे ए उल्टा है, तो उल्टा ए, और जैसे ई लिखते हैं, इन दोनों को एक साथ जॉइंट करने से ए का साउंड निकलता है। तो जैसे ये वर्ड है बैट, तो इसका उच्चारण देखिए आप मैंने कैसे लिखा है, और डिक्शनरी में भी ऐसे ही आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो बी से ब बना और ये है ए, और ये है ट, टी से ट बनता है, तो हम बोलेंगे बैट कैट। लेकिन आपको ये बोलते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, क्या, कि जब भी आप ये बोलें बैट ए, तो आपका गला जो है पूरा खुल जाना चाहिए और ये जबड़े नीचे आने चाहिए, बैट कैट इस प्रकार से बोलना है, बैग बैट कैट, एकदम नीचे गला खुल जाना चाहिए। और ये है उसके ऊपर जो था वो था टेन, ये है टेन, लेकिन ये है बैट। जैसे धूप से काला करते हैं लोग अपनी त्वचा को तो बोलते हैं टैन, वो होता है TAN, उसको पढ़ेंगे टैन, ये जबड़े नीचे चले जाने चाहिए टैन, और ये है टेन। तो ये ए है, ये है ए, आप अच्छी तरह समझ गए। उसके बाद दोस्तों आ का साउंड, जैसे हम बोलते हैं फास्ट फादर कार,
तो ये साउंड कैसे निकलेगा, डिक्शनरी में कैसे लिखा होगा, ये सिंबल क्या है, ये जो ए होता है ए, उसके ऊपर आगे सामने दो डॉट्स हैं, दो बिंदु हैं, यानी इसको आपको पढ़ना है आ आ, ज्यादा आ को लंबा खींचना है, इसलिए मैंने हिंदी में भी आ के सामने दो डॉट्स डाल दिए हैं कि आपको याद रहेगा कि ये है आ। तो ये कैसे वर्ड्स में इस्तेमाल होगा, जैसे फास्ट फास्ट, तो यहाँ इसका फास्ट वर्ड का अगर उच्चारण लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यहाँ ए के बाद दो डॉट्स हैं तो, और उसके बाद एस और टी है, तो हम बोलेंगे फास्ट फास्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अगले ग्रुप पर। अगला ग्रुप दोस्तों अ और ओ का, अ का इस प्रकार से साउंड है, कैसे, जैसे ये साउंड है तो इसका जो सिंबल है वो आप देखेंगे अगर, तो ये ए जैसा ही है लेकिन ये थोड़ा सा मोटा होता है, और इस प्रकार से डिक्शनरी में आपको दिख जाएगा। इसका जो साउंड है ये आ के ऊपर आप देख रहे हैं, मैंने एक चांद ऐसे करके लगाया है, इसको अ नहीं पढ़ना है, अ से ज़रा सा नीचे रखना है। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे साउंड निकलेगा, एक होता है आ और एक होता है अ, इन दोनों के बीच का साउंड है ये, आ से ज़रा सा ऊपर उठा हुआ और अ से ज़रा सा नीचे, अ ऐसे, जैसे मैं आपको वर्ड बताता हूँ ये जी ओ टी, और इसका उच्चारण ऐसे आपको डिक्शनरी में लिखा हुआ दिखाई पड़े, इसको पढ़ेंगे हम गॉट गॉट, ये गॉट भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, गॉट भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ गॉट, ज़रा सा ऊपर है, अमेरिकन ऐसे बहुत ज़्यादा बोलते हैं गॉट, अब गॉट डट गॉट, इस प्रकार से इसको बोलेंगे। उसके बाद है दोस्तों अ का साउंड, पूरा फुल अ, जैसे ये लिखा मैंने हिंदी में, ये कैसे लिखा रहेगा दोस्तों, ओ जो होता है वो आधा होगा और इसके ऊपर दो डॉट्स होंगे, इसको हम पढ़ेंगे अ, पूरा अ पढ़ना है, जैसे सौ, सी का मतलब देखना, उसका पास्ट टेंस है सौ, मैंने उसे देखा आई सॉ हिम, तो सौ जो वर्ड है इसका उच्चारण आपको डिक्शनरी में ऐसे लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, इसका मतलब है क्या, एस से स बनता है और ये है अ का साउंड, यानी सौ सौ ऐसे पढ़ेंगे, सौ पूरा अ है, तो ये कैटेगरी हम समझ गए। उसके बाद दोस्तों आते हैं ऊ वाली कैटेगरी पर, इसमें भी तीन साउंड है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और एक बड़े में भी बड़ा ऊ, हिंदी में दो ही ऊ होते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दिया हिंदी से कंपेयर नहीं करना है, हिंदी की सिर्फ मदद लेनी है समझने के लिए कि इंग्लिश में कौन कौन से साउंड होते हैं। तो पहला है दोस्तों छोटा ऊ, ये कैसे लिखा रहेगा डिक्शनरी में, जैसे जो स्मॉल यू होता है वैसे लिखा होता है, और इसका मतलब है छोटा ऊ, नॉर्मल ऊ जो होता है जहाँ पर हमको रुकना नहीं होता। ये कैसे वर्ड्स में इस्तेमाल होगा, जैसे एक्चुअल ए सी टी यू एल, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें इसका उच्चारण, तो ये ए का साउंड है जो हमने यहाँ सीखा था, ये रहा ए, तो ये है ए, उसके बाद एक के यानी क, एक एक बन गया, टी और एस से च बनता है, ये मैं आपको कल बताऊंगा अगली क्लास में जब मैं आपको कॉन्सनेंट साउंड्स बताऊंगा, आज मैं आपको वाउल साउंड्स बता रहा हूँ, कल मैं आपको कॉन्सनेंट साउंड्स बताऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि च कैसे बना यहाँ पर। तो एक्चुअल, अब यहाँ यू का जो साउंड है, ये जो चिन्ह है सिंबल है, इससे छोटा ऊ बन रहा है और उसके बाद है आधा अ और ल, तो ये बन रहा एक्चुअल। अभी हमको सिर्फ ऊ समझना है कि ये छोटा ऊ कैसे है, तो हम बोलेंगे एक्चुअल एक्चुअल, इसमें हम ऊ पर रुक नहीं रहे, एक्चुअल एक्चुअल छोटा ऊ है। अब हम आते हैं बड़े वाले ऊ पर, जो हिंदी में जो बड़ा ऊ होता है वैसा जो साउंड है उसको, ये जो कैपिटल यू होता है आप समझ लो लगभग वैसे ही लिखा होता है डिक्शनरी में, तो अगर ये स्मॉल यू लिखा हो तो छोटा ऊ पढ़ना है, अगर कैपिटल ऊ जैसा लिखा हुआ हो तो आपको बड़ा ऊ उसको समझना है, ऊ, और हिंदी में इस प्रकार से लिखते हैं बड़े ऊ को। और ये वर्ड है जैसे फुट, पी यू टी फुट फुट, इस प्रकार से बोलेंगे फुट, बड़ा ऊ है फुट। और अब मैं आपको बताता हूँ बड़े ऊ में भी बड़ा ऊ, मतलब बड़ा बड़ा ऊ जो होता है उस पर भी आपको ज़्यादा देर तक रुकना है, कब, तो उसके नीचे उस, कैसा वो सिंबल है, तो जो स्मॉल यू होता है उसके सामने दो डॉट्स आपको डालने हैं, स्मॉल यू के सामने अगर दो डॉट्स होंगे तो आपको ये समझना है कि ये बड़े में भी बड़ा ऊ है, और हिंदी में भी मैंने वैसे ही लिखा है, बड़े ऊ के सामने मैंने दो डॉट्स डाल दिए हैं। और ये कैसे वर्ड्स में होता है, जैसे टी डबल ओ टू टू, और आप देखिए इसका उच्चारण मैंने कैसे लिखा है, यहाँ पर डिक्शनरी में भी ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा, टी के बाद स्मॉल यू है और उसके बाद दो डॉट्स हैं, टू, आई वॉन्ट टू गो देयर टू, आई वॉन्ट टू गो टू, मैं भी जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू, टू का मतलब होता है भी, तो आई वॉन्ट टू गो टू, या बहुत, ओह दिस इज टू हॉट, तो आपको बड़ा बड़े में भी बड़ा ऊ बोलना है। इसमें से कुछ साउंड्स आपको अजीब लगेंगे कि बड़े में भी बड़ा ऊ, ये तो हिंदी में तो नहीं होता, हिंदी में बिल्कुल नहीं होता, मैंने आपसे पहले ही कह दिया हमको हिंदी से इसकी तुलना बिल्कुल नहीं करनी है, हिंदी की सिर्फ मदद लेनी है।
तो दोस्तों ये, अच्छा ये जितने वाउल साउंड्स मैंने बताया आपको, ये सारे सिंगल हैं, इनमें एक ही साउंड बन रहा है। अभी कुछ और बचे हुए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम दोस्तों आते हैं जो अ का जो साउंड होता है, वो जो फैमिली है, वो जो कैटेगरी है, उस पर मैं आता हूँ। अब ये आप देख रहे हैं, ये आपको आधा उल्टा उल्टा ई जैसा दिखाई पड़ेगा। ये एक्चुअली इससे आधा अ का साउंड बनता है। अब आधा तो हिंदी में नहीं होता लेकिन इंग्लिश में होता है, और इसको श्व साउंड बोलते हैं। इसका नाम मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ, SCHWA श्व साउंड बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है आधा अ। ये कैसे शब्दों में इस्तेमाल होता है, जैसे इस ये जो वर्ड है ABOUT, इसको हम पढ़ेंगे और इसका उच्चारण ऐसे लिखा होगा। तो यहाँ ये जो उल्टा ई है, इसको आधा अ पढ़ना है, तो हम इसको पढ़ेंगे अबाउट। और अभी हमने सीखा कि इसको ऊ पढ़ना है अबाउट, तो यहाँ उच्चारण लिखा हुआ है अबाउट अबाउट। एक निशान ये भी आप देख रहे होंगे, सिंबल यहाँ पर, ये वाला, ये सिलेबल स्ट्रेस का सिंबल है। इसके बारे में आपको किसी और क्लास में बताऊंगा। हर चीज़ को अलग अलग करके सीखेंगे जिससे कि हर बात क्लियरली हम समझ सकें। फिलहाल हमको ये समझना है कि इससे आधा अ बनता है। तो डिक्शनरी में किसी वर्ड का जब आप प्रोनंसिएशन देख रहे हो और आपको ऐसे लिखा हुआ दिखाई पड़े, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि यहाँ पर आधा अ होगा। जैसे इसको हम लोग बोल लेते हैं ना अबाउट, ऐसे भी हम बोल लेते हैं। अब आपको पता चल गया कि वो गलत उच्चारण है, अबाउट नहीं होगा, क्योंकि इसका उच्चारण होता है अबाउट। अच्छा दोस्तों, जितने भी इंग्लिश में वर्ड्स हैं सबका उच्चारण डिक्शनरी में लिखा हुआ है। आपको ये सारे सिंबल्स सीखने के बाद डिक्शनरी लेके बैठना चाहिए और उसमें जो जो वर्ड्स की आपको जिस वर्ड का उच्चारण सीखना है अब आप सीख सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि किस साउंड से किस सिंबल से कौन सा साउंड बनता है, ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये था आधा। अब हम आते हैं पूरे अ पर। पूरा अ जब भी साउंड होगा तो वो ऐसे लिखा होगा, ये ए जैसा आपको दिख रहा है, लेकिन बीच में वो लाइन नहीं है जो ए में होती है। यहाँ जो लाइन होती है वो मैंने नहीं लिखी, क्योंकि वो वैसे लिखा नहीं जाता। तो ये एक्चुअली पूरा पूरे अ को बताता है। तो ये वर्ड्स कैसे होते हैं, जैसे कप, CUP कप। अब हम बोलते हैं कप, अरे चाय का कप कहाँ है, कप नहीं होगा दोस्तों। अब आपको पता चल गया पूरा है, ये ऐसे डिक्शनरी ऐसे इसका उच्चारण डिक्शनरी में लिखा होगा, तो आपको पढ़ना चाहिए इसको कप। बट आई डोंट नो हिज नेम, कप, वेयर इज माय कप, न कि वेयर इज माय कप। कप नहीं बोले, कप बोलने से तो आधा अ का साउंड आता है, पूरा अ बोलना है कप। अच्छा दोस्तों, अब पूरे अ में भी एक और भी बड़ा अ है, यानी दो बार अ पूरा अ, ऐसा भी एक साउंड इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है बट इंग्लिश में है। वो होता है दोस्तों इस प्रकार से, जैसे तीन लिखते हैं ना, थ्री, तीन लिखने के बाद दो डॉट्स हैं, बिंदु। ये आपको समझ आए कि ये बड़ा, बड़े अ में भी बड़ा अ है, यानी दो बार बड़ा अ है, ऐसे ये फुल वाला अ। ये कैसे वर्ड्स में होता है, इस जैसे ये वर्ड है फर, हम बोलते हैं ना फर की जैकेट, फर का कोट, हम बोल देते हैं फर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं आप उच्चारण लिखा हुआ है एफ के बाद ये थ्री और दो डॉट्स हैं, यानी ये बड़े में भी बड़ा अ है। अच्छा दोस्तों, ये आर मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आर को ब्रिटिश इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो यहाँ आर को नहीं पढ़ेंगे, और अगर अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आर को पढ़ेंगे। आर जब भी आपको डिक्शनरी में ब्रैकेट में लिखा हुआ दिखाई पड़े तो उससे क्या मीनिंग निकालना है आपको, कि इसको ब्रिटिश इंग्लिश में इस आर को नहीं पढ़ा जाएगा लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ा जाएगा। वैसे मेरे वीडियोज़ हैं, जिन एक मेरा वीडियो है जिसमें मैंने आर का उच्चारण कैसे होता है यही बताया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आपको मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनंसिएशन, उच्चारण सीखें। उसमें आपको तरह तरह के और वीडियोज़ मिलेंगे जिनमें मैंने उच्चारण के दूसरे बड़े ही अनोखे रूल्स बताए हैं जो जनरली लोग आपको बता नहीं पाएंगे। तो इसको हमको पढ़ना है फ, आपको इतना ही रुकना पड़ेगा जितना मैं रुक रहा हूँ, फ ऐसे बोलना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे उस डॉक्टर ने, फलाने डॉक्टर ने उस हॉस्पिटल में रेफर कर दिया, हम बोलते हैं रेफर, लेकिन उसका उच्चारण जब, ये जो वर्ड है रेफर जिसको हम बोलते हैं, उसके उच्चारण में यही वाला साउंड इस्तेमाल होता है। मैं आपको बताता हूँ जिसको हम रेफर बोलते हैं उसका असल में क्या उच्चारण है, उसका उच्चारण है रिफर, ये उच्चारण है रिफर, प्रिफर, इस प्रकार से उच्चारण, कि रेफर, प्रेफर, अरे मैं तो चाय प्रेफर करता हूँ, मुझे कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती, या कोई बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो, मैं तो कॉफ़ी को ही प्रेफर करता हूँ, मुझे चाय अच्छी। तो दोस्तों ये रेफर, प्रेफर, फर, ये सब गलत उच्चारण है। रिफर, प्रिफर, फ, अ में भी एक और अ, दो बड़े बड़े अ हैं, ऐसा हमको समझना चाहिए। तो ये दोस्तों इसका साउंड है। तो दोस्तों अब हमने सिंगल जो साउंड्स होते हैं वाउल्स के
वो हमने कवर कर लिए। अब हम आते हैं डिफथोंग्स पर। ये दोस्तों डिफथोंग, डिफथोंग का मतलब है जिसमें दो साउंड एक साथ यूज होते हैं। ऐसे भी कई वर्ड्स हैं जिनमें दो साउंड एक साथ यूज होते हैं वाउल्स वाले, वो टोटल सात हैं मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 5 6 7 है। ये साउंड्स कौन कौन से हैं? ये जॉइंट साउंड्स हैं, इनको थोड़ा आपको सावधानी से सीखना है। अब जैसे ए का साउंड है और आई है, इससे बनता है ए, ए, ए और ई, ए, यानी जैसे ये वर्ड है इंग्लिश में से। अब हम बोलते हैं से, से का मतलब कहना, क्योंकि हमको लगता है कि ये ए होगा, लेकिन अब आप देखिए क्या उच्चारण है इसका, स, एस है, एस से स बनता है और ये है ए, तो हमको इसको पढ़ना चाहिए से, न कि से माने कहना। जैसे आप पूछते हैं किसे व्हाट डू यू वांट टू से, ऐसे बोलना चाहिए आपको, तुम क्या कहना चाहते हो, तो व्हाट डू यू वांट टू से नहीं बोल के बोलना चाहिए व्हाट डू यू वांट टू से, ये असली इंग्लिश है। अच्छा दोस्तों, अगर आपने इस प्रकार से इंग्लिश सीख ली तो आपके लिए इंग्लिश में गाने समझना और फिल्म के डायलॉग समझना कितना आसान हो जाएगा, ये आप समझ सकते हैं। यही रीज़न है कि जब अंग्रेज बोलते हैं, जब हम उनको सुनते हैं बोलते हुए, या हम इंग्लिश में गाने सुनते हैं या फिल्म्स के डायलॉग, तो हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि हमको ये बातें पता ही नहीं होती। तो अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इंग्लिश को समझना। तो ये है दोस्तों ए का साउंड, जब इस प्रकार से लिखा हो डिक्शनरी में तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये से है। उसके बाद आते दोस्तों, ये है आधा अ और ऊ, श्व साउंड है ये वाला, आधा अ और ऊ का साउंड, इसको पढ़ेंगे अ, आधा अ और ऊ, अ, यानी कि हम जिसको बोलते हैं गो, गो का मतलब जाना, उसका देखो मैं आपको बताता हूँ असल में क्या उच्चारण है। ये वर्ड है जी ओ, और आप ध्यान से अगर देखें तो जी यानी ग, आधा अ और ऊ, ग, तो हमको बोलना चाहिए ग, आई वॉन्ट ग, ये भी, ये लेटर भी ओ का उच्चारण कैसे होता है ये मैं अपने कई वीडियोज में बता चुका हूँ पहले, तो हम इसको पढ़ेंगे ग। अच्छा दोस्तों, अगर ये अमेरिकन इंग्लिश होता तो इसको हम पढ़ते गो, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर भी कभी आएंगे। तो ये है, तो अगर ऐसे लिखा हुआ आपको दिखाई पड़े तो इसको आपको पढ़ना है आधा अ और ऊ, अ। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट जो साउंड है वो है आई का साउंड। अब यहाँ ए से आ बनेगा और आई से ई बनेगा, आई, आई, ये जॉइंट वाउल साउंड है। ये कैसे वर्ड्स में यूज होगा, जैसे एम वाई माई, आप बोलते हैं दिस इज माई बुक, तो माई कैसे बनाइए, एम ए और आई, ये वाला साउंड सिंबल यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे माई, माई, दिस इज माई बुक, तो हम बोलेंगे इसको माई। उसके बाद दोस्तों ए और यू का साउंड, इसको एक्चुअली पढ़ा जाता है आओ, आ और ऊ, आओ, कैसे वर्ड्स में यूज होगा, जैसे नाउ, बोलते एन ओ डब्ल्यू नाउ, आई एम कमिंग नाउ, ही इज कमिंग नाउ, तो हम इसको बोलेंगे नाउ, इस प्रकार से पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों ये ई दिख रहा है आपको और हाफ ई, ई दिख रहा है, इसको एक्चुअली पढ़ेंगे इस प्रकार से ईय, ई और आधा अ, ईय, ये कैसे वर्ड्स में इस्तेमाल होगा, जैसे नज़दीक, पास है कोई, तो हम उसको बोलते हैं नियर। तो नियर का दोस्तों ये जो वर्ड है एन ई ए आर, इसका उच्चारण ऐसे डिक्शनरी में आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, एन से बना न, ईय और आर को मैंने फिर ब्रैकेट में लिखा, यानी ब्रिटिश इंग्लिश में इस आर को नहीं पढ़ेंगे, हम बोलेंगे नियर, नियर, अमेरिकन में पढ़ना होता, अमेरिकन में बोलेंगे नियर, अमेरिकन में आर को पढ़ते वक्त जीभ को मुंह के अंदर ऐसे मोड़ना होता, नियर, तो ब्रिटिश में होगा नियर। असली मुद्दा हमारा ये है कि इससे साउंड क्या बनता है, जैसे साउंड बनता है ईय। उसके बाद दोस्तों ये है ए, ये ई, पूरी ई और आधी ई का मतलब है ए और आधा अ, ए, हमको पहले से मालूम है कि आधा उल्टा, उल्टी, उल्टा ई जो होता है उससे आधा, आधा अ का साउंड बनता है, तो ये है ए, ये कैसे वर्ड्स में इस्तेमाल होगा, जैसे बाल को बोलते हैं हेयर, अब दोस्तों हम क्या बोलते हैं हेयर, लिखा भी हिंदी में रहता है हेयर कटिंग सैलून, है ना, ऐसे लिखा रहता है, कितना गलत उच्चारण है, तो इसको कैसे पढ़ना है दोस्तों, ये रहा इसका उच्चारण, आपको डिक्शनरी में लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, ये है हेयर, इसको कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे ए की तरह, हेयर, है और आधा अ, हेयर, ये र जो है आर, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको नहीं बोलना है, हेयर, अमेरिकन में बोलेंगे हेयर, इस प्रकार से पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों जो आखिरी डबल साउंड है डिफथोंग, वो है ऊअ, ऊ और आधा ऊअ, और ये कैसे वर्ड्स में इस्तेमाल होता है, जैसे टूर, जिसको हम बोलते हैं टूर, टूर एंड ट्रैवल बोलते हैं हम, टूर नहीं होगा दोस्तों, ये रहा उच्चारण लिखा हुआ, डिक्शनरी में लिखा हुआ होगा, आप चेक करना, टूर, तो ठी से ट बना, ऊ आधा अ और ये आर को मैंने फिर ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में इस आर को नहीं पढ़ेंगे, बोलेंगे टूअर, टूअर, टूअर्स एंड ट्रैवल्स, इस प्रकार से बोलना चाहिए, तो हम बोलेंगे टूअर।
तो दोस्तों ये डिफथोंग्स थे। अब हम आते हैं ट्रिफथोंग्स पर, जिनमें तीन साउंड एक साथ जॉइंट होते हैं, उनको बोलते हैं ट्रिफथोंग। अब दोस्तों ट्रिफथोंग कम से कम तीन है जो हमको सीखने चाहिए। उसमें से पहला है आ ऊ अ, यहाँ लिखा है मैंने हिंदी में आ ऊ अ। ये कैसे कैसे कौन से वर्ड्स में ये साउंड बनता है, जैसे एक घंटा होता है, दो घंटे, तीन घंटे, तो एक घंटे को, घंटे को हम क्या बोलते हैं, हम कैसे लिखते हैं उसको इंग्लिश में, एच ओ यू आर। और इसको हमको कैसे पढ़ना चाहिए, इसमें यही वाला साउंड लगता है आ ऊ अ। तो इसको हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है उच्चारण आ ऊ अ, और ये र जो आर ब्रैकेट में लिखा है ब्रिटिश इंग्लिश में उसको नहीं पढ़ना है, यानी उसको हम इस पूरे, और इसमें एच साइलेंट होता है इसीलिए इसको हम पढ़ेंगे आ ऊ अ, यहाँ लिखा है मैंने आ ऊ अ, ऐसे पढ़ना है इसको आ ऊ अ। हम कैसे बोलते हैं, जो बिल्कुल हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़े उन्होंने वो बोलेंगे इसको आवर, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते बोलते हैं आर। सब गलत उच्चारण है, क्योंकि आपके सामने लिखा हुआ है डिक्शनरी में, ऐसे ही आपको लिखा हमने आ ऊ अ, ऐसे बोलेंगे फ्लावर, न कि फ्लावर या फ्लार, फ्लार, आर, ये सब कचरा, सब गलत उच्चारण है। हमको बोलना चाहिए आ ऊ अ, फ्लावर, इस प्रकार से बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों एक और साउंड है, वो है आ ई और आधा अ का साउंड, आई अ, इस प्रकार से। ये कैसे वर्ड्स में इस्तेमाल होगा, जैसे आग को हम बोलते हैं फायर, तो इसकी स्पेलिंग है एफ आई आर ई, और जो उच्चारण है वो है यहाँ लिखा है दोस्तों, तो यहाँ है आ ई अ का साउंड फायर। आर को ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में इसको नहीं पढ़ना है, अमेरिका में पढ़ना है, तो हम इसको पढ़ेंगे फायर। अच्छा हिंदी में कैसे लिखा रहता है दोस्तों, ये फायर, फायर है ना, फायर, फायर नहीं बोलना है, फायर, फायर, देयर इज अ फायर बर्निंग, एक आग जल रही है, देयर इज अ फायर बर्निंग, न कि देयर इज ए फायर बर्निंग, वो इंग्लिश नहीं है, वो तो हम अपने तरीके से उसको बोल रहे हैं। अगर करेक्ट प्रोनंसिएशन बोलना है तो इस प्रकार से बोलना चाहिए। और दोस्तों जो लास्ट ट्रिफथोंग है आज का, वो मैंने यहाँ पर लिखा है, वो है ओ ई और आधा ऑय, ऑय, ये लिखा है मैंने हिंदी में यहाँ पर ऑय। ये कैसे वर्ड्स में इस्तेमाल होगा, जैसे एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर वो आदमी है जो किसी को नौकरी देता है और उसके एम्प्लॉयज होते हैं, तो ये रहा दोस्तों उच्चारण लिखा है मैंने एम्प्लॉय, यहाँ पर आई एम पी एल है, और उसके बाद ओ ये साउंड है ऑय का एम्प्लॉय, और ये आर को ब्रैकेट में से लिखा कि ब्रिटिश इंग्लिश में इसको नहीं पढ़ना, अमेरिकन में पढ़ना है, तो इसको बोलेंगे दोस्तों ब्रिटिश में एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर। तो तीन दोस्तों ट्रिफथोंग है, और डिफथोंग सात थे, और बाकी के 17 जो है 17 ये सिंगल वाले साउंड्स हैं। अब आपको क्या करना होगा, इतना सीखने से ही नहीं काम चलेगा, अब आपको डिक्शनरी लेके बैठना चाहिए और हर वर्ड के सामने जाके उसका प्रोनंसिएशन लिखा होता है, आपको ये सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि अब आप सही उच्चारण समझ रहे हैं कि नहीं। आज मैंने आधी ही क्लास दी आपको, आधी क्लास में आपको कल दूंगा जिसमें आपको कॉन्सनेंट साउंड्स बताऊंगा, फिर आपको दोनों को मिला के सीखना चाहिए कि सही उच्चारण आप सीख पाते हैं कि नहीं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये क्लासेस जनरली मैं भी नहीं देता, लेकिन आपकी ऐसी डिमांड थी तो मुझे क्लास देनी पड़ी, तो मुझे उम्मीद है कि इस क्लास से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और उच्चारण सीखने में आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम सीखेंगे इसका पार्ट टू इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट का, जिसमें हम कॉन्सनेंट साउंड्स को सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।